गाइस आज हम एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, पानी के अंदर पंप चलाएंगे। तो केवल VIP पंप अपन पानी के अंदर चलाएंगे, तो केवल ओनली पंप नहीं चलाएंगे अपन, हम इसे पेट्रोल और डीजल की सहायता से चला के देखेंगे। जब पेट्रोल और डीजल के साथ ये कैसा ब्लास्ट करता है, फिर हम एक बार बिना पेट्रोल और डीजल के चला के देखेंगे किसमें ज़्यादा धमाका होता है और किसमें ज़्यादा आवाज साउंड प्रोड्यूस होता है। ये चीज़ हम पूरे एक मैकेनिज्म के थ्रू, उस मैकेनिज्म को हम आपको दिखा देते हैं। हमने कुछ इस प्रकार का मैकेनिज्म बना रखा है जिसके अंदर पहले डीजल डाला हमने, उसके अंदर VIP को अंदर फिट किया है और ये एक सिंपल सा मैकेनिज्म है जिसके अब हम इसकी सहायता से क्या पानी के अंदर चलाएंगे। तो गाइस देखा आपने, हमने पेट्रोल के साथ पंप को चला के देखा पानी के अंदर, तो खतरनाक ऊपर एकदम से धाम बारिश की तरह पानी वानी फैल गया है। देखा था गाइस, हमने आज पानी के अंदर ऊपर नहीं पानी के अंदर हमने पंप चला के पेट्रोल के साथ चलाया है, हमने पंप को पेट्रोल के साथ चलाया है। तो गाइस हम इसी तरह अगला डीजल के ऊपर भी करके देखेंगे, तो आप हमारे वीडियो पे बने रहिए, हम अगला एक्सपेरिमेंट चालू करते हैं। अब हम इसको पानी के अंदर रख देते हैं तो ये डूबेगा नहीं, इसलिए हम उस पत्थर की सहायता से इसको अंदर डुबाएंगे। तो गाइस जैसा कि आपने देखा है कि हमने मैकेनिज्म तैयार कर लिया है, तो अब चलो शुरू करते हैं आज का एक्सपेरिमेंट डीजल के साथ। डीजल के साथ पंप को चलाने का देखो, डीजल मतलब थोड़ा लगा नहीं है, ऊपर तैर रहा है पानी के ऊपर। हम देखा कि पेट्रोल और डीजल को हमने पानी के अंदर चला के देखा है, क्योंकि फिर अंदर से ब्लास्ट हुआ तो बारिश की तो चारों तरफ पानी फैल गया है। तो गाइस अब हम एक बाहर करके देखेंगे कि पंप को बाहर कितना ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस होता है, इसलिए हम अब आगे बाहर देखेंगे पंप को चला के। ओके तो गाइस हमारे मैकेनिज्म तो तैयार है कि हम एक पानी में ब्लास्ट करके देखा है पेट्रोल के साथ, एक डीजल के साथ ब्लास्ट करके देखा है। अब हम इसको ना तो पानी में कर रहे हैं और ना डीजल के साथ कर रहे हैं, ना पेट्रोल के साथ कर रहे हैं, अब हम इसको ओनली फिल कर रहे हैं जमीन पे ही। तो गाइस अब हम इसको चालू करते हैं और देखते हैं कि अब ज़्यादा धमाका होता है, उस टाइम ज़्यादा धमाका हुआ, ये हम देखते हैं हम आगे। चलो शुरू करते हैं आगे का। गाइस आपने देखा कि हमने पेट्रोल के साथ चलाया जब कितना खतरनाक धमाका हुआ, और अब हमने हवा के अंदर चला के देखा तो कितना खतरनाक धमाका हुआ। तो गाइस अगर हमने पेट्रोल के साथ चलाया जब तो थोड़ा कम रिएक्शन हुआ था, लेकिन डीजल के साथ ज़्यादा हुआ था, और इसी प्रकार हवा के अंदर और भी ज़्यादा हुआ। ये हर बार मतलब जो ज्वलनशील पदार्थ होते हैं, जो
उनके अंदर कम होता है और जो कम ज़्यादा रखते हैं उसमें कम होता है, जो कम रखते हैं उसमें ज़्यादा धमाका होता है। तो भाई हमारी वीडियो आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताना, और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना हमें। ओके गाइस, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।